संजय लीला भंसाली जिन्होंने बॉलीवुड को मैरी कॉम, गोलियों की रास लीला, राम लीला, गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्म से दी, वो जल्द ही हाजिर होने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर दी मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन सीरीज हीरा मंडी के साथ, जिसके डायरेक्टर को रिप्लेस करने की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। जी हाँ, जहाँ पहले हीरा मंडी को डायरेक्ट करने वाले थे विभू पुरी, जिन्होंने संजय को उनके कई प्रोजेक्ट्स में असिस्ट किया है और साथ ही सावरिया, गुजारिश जैसी फिल्म्स को लिखा भी है, तो वहीं अब उस सीरीज को डायरेक्ट करेंगी मिताक्षरा कुमार, जो कि बाजीराव मस्तानी, पद्मावत जैसी फिल्म्स में संजय जी के साथ एज एन एसोसिएट डायरेक्टर काम कर चुकी हैं और साथ ही उन्होंने सीरीज द एम्पायर को भी डायरेक्ट किया है, जिसे निखिल अडवाणी ने प्रोड्यूस किया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग संजय जी सीरीज के फर्स्ट एपिसोड को पर्सनली डायरेक्ट करेंगे और बाकी के 6 एपिसोड्स को मिताक्षरा डायरेक्ट करेंगी। यानी जहां पहले विभू करने वाले थे इस पॉश प्रोजेक्ट पर काम, तो वहीं मिताक्षरा ने कर दिया है उन्हें रिप्लेस, जिसका रियल रीजन क्या है ये अब तक सामने नहीं आ पाया है। वैसे आपको बता दें, जहां आलिया भट्ट स्टार गंगूबाई काठियावाड़ी का शूट हुआ था, तो उसी सिमिलर जगह पर हीरा मंडी के लिए भी एक न्यू सेट प्रिपेयर किया जा रहा है, जो कि लाहौर को रिजेम्बल करता हुआ बनाया जाएगा, जिसके लिए ऑलमोस्ट 700 वर्कर्स काम कर रहे हैं। इस अपकमिंग सीरीज को म्योन बेग ने लिखा है, जहां लव, बिट्रेयल और रेड लाइट एरिया में होने वाली पॉलिटिक्स को शो किया जाएगा। स्टोरी में 3 जेनरेशंस को शो किया जाएगा, जहां सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला, आदित्य राव हेदरी जैसी एक्ट्रेसेस को देखा जाएगा। कुछ सोर्सेज ये भी रिवील करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में माधुरी दीक्षित, रेखा, तबु और शबाना आजमी जी को कंसीडर किया जा रहा है। बट वहीं जब मेन रोल के लिए प्रियंका चोपड़ा को अप्रोच किया गया, तो उन्होंने तो इसे लेने से साफ मना कर दिया। वेल, अब देखना ये होगा कि भंसाली जी की इस सीरीज में किन किन एक्ट्रेसेस को देखा जाएगा और वो कितने कामयाब साबित हो पाएंगे हीरा मंडी की रियलिटी को शो करने में। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज एंड अपडेट्स, कीप वॉचिंग बूगल बॉलीवुड।